ये क्वेश्चन आपको करना है, जो भी फंक्शन आपके पास है इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो सबसे पहले ये फंक्शन की पावर, फंक्शन इसमें पार्शली दिया गया है और आपको साइन इनवर्स रूट एक्स दिया गया है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अब ये फंक्शन की पावर फंक्शन तो हम लोग डील करते थे टेकिंग बोथ साइड लॉग लेके, है ना, और ये सिंपली आपका डील होता था। यहाँ पे तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो ये चेन रूल से डील होगा, दोनों में अलग मैकेनिज्म है ना। तो दोनों को से हम इसे पूरा वाई मान लेते हैं और ये आपका से पहला यू हो गया, दूसरा फंक्शन आपका वी हो गया। तो लेट क्या लिखेंगे, यू इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर एक्स, और जो v हो जाएगा वो हम इधर लिख दे रहे हैं या यही लिख दे रहे हैं, v इक्वल्स टू आपका हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, देन आपका जो y हो जाएगा इट बिकम u प्लस v, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स एंड प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स आ गया। अब इसे हम लोग यही इसी स्टेप पे, इक्वेशन नंबर वन है ये, इक्वेशन नंबर टू है, यहाँ पे छोड़ देते हैं और पहले ये निकाल दे डी यू बाई डी एक्स अलग डील कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर डी वी बाई डी एक्स निकाल के फाइनली बाद में हम इस इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे ला के प्लेस कर देंगे। तो यू ले लेते हैं, क्या लिखेंगे कि सिंस यू इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर एक्स, तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, लॉग ऑफ यू इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर एक्स, ये एक्स आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, यहाँ से हटा देंगे, ब्रैकेट का भी कोई मतलब नहीं रह गया फिर। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log u that is equals to d by dx of x log of sin x। यहाँ दो फंक्शन है, एक log of sin x है, दूसरा क्या है आपका x है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, प्रोडक्ट रूल। तो इधर तो आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट d by dx of सेकेंड, सेकेंड मतलब log of sin x, और प्लस log of sin x मतलब सेकेंड, और d by dx क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट मतलब x हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम, ये u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा ना कि x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जबकि यहाँ d बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो हमें d बाई डी यू करना पड़ेगा, d बाई डी यू लॉग ऑफ u और du यू बाई डी एक्स करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपका, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। इस साइड में देख लीजिए, ये हो गया आपका x, यहाँ पे चेन रूल लगेगा। देखिए क्यों, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, जब भी x की वैल्यू प्लेस करोगे तो उसका साइन कैलकुलेट होगा और साइन के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका लॉग कैलकुलेट होगा। तो ये सीक्वेंस है फंक्शन का, सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन लॉग है तो पहले वो डिफरेंशिएट होगा, फिर साइन है, फिर वो डिफरेंशिएट होगा। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, वन बाई वॉट एवर इन साइड द लॉग, वो लिख देंगे हम लोग साइन एक्स है चूंकि उसके अंदर। फिर साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो वो क्या होता है आपका, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ठीक है, ये तो यहाँ डिफरेंशिएशन हो गया आपका। उसके बाद फिर प्लस लॉग ऑफ क्या है, साइन एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, सबसे सिंपल है ये तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हम लोग कॉस अपॉन साइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री टेंथ क्लास में ये हम लोग पढ़ते हैं या नाइन्थ में कुछ लोग पढ़ते हैं ना, तो ये हो जाएगा कॉट, कॉट ऑफ एक्स। अच्छा, ये यू इस साइड से इस साइड ला रहे हैं, यू यहाँ ले आएंगे है ना, क्योंकि नीचे डिनोमेटर था इधर न्यूमरेटर में आएगा। अब u तो हमारा क्या है, डमी वेरिएबल है, इसको रियल वेरिएबल से या ओरिजिनल वेरिएबल जो सिस्टम में दिया गया था उसे रिप्लेस कर देते हैं। u कितना है आपके पास, साइन x की पावर x, तो साइन x की पावर x, तो ये आपका फाइनल आ गया du यू बाई डी एक्स। ठीक है, दैट इज रिजल्ट नंबर वन। नाउ v क्या है आपका, यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग, v इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स है ना। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ लॉग लेने की जरूरत तो है नहीं कि फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, तो यहाँ पे सिंपल आप डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वी दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक, यहाँ चेन रूल लगेगा, सीक्वेंस क्या है,
x की वैल्यू जब प्लेस करेंगे तो क्या आएगा, रूट कैलकुलेट होगा, और रूट के बाद क्या कैलकुलेट होगा, साइन इनवर्स कैलकुलेट होगा, है ना। तो साइन इनवर्स कैलकुलेट होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन ये साइन इनवर्स है, वो डिफरेंशिएट होगा, फिर आपका रूट डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, ये सीक्वेंस है। तो यहाँ कर लेते हैं हम लोग, तो दैट इज डी बी बाई डी एक्स, दैट कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स। साइन इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स जो भी है, एक्स तो रूट है आपके पास, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा डिफरेंशिएशन, रूट का, और रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर रूट एक्स का लिखते हो रूट एक्स, ठीक है, तो रूट एक्स को रूट हटा क्या लिख लेते हैं, पावर वन बाई टू। अब ये एन एक्स एन माइनस वन लग जाएगा, तो जब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो वन बाई अंडर रूट वन माइनस, यहाँ सिर्फ रूट हटेगा एक्स आएगा, है ना, और यहाँ पे एन एक्स एन माइनस वन ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर माइनस हाफ है, तो इसे रेसिप्रोकेट कर दीजिए, वन बाई एक्स की पावर हाफ हो जाएगा, और वन बाई एक्स की पावर हाफ को रूट एक्स लिख सकते हो, तो फाइनली आपका रूट एक्स आ गया, ठीक है। तो वन बाई टू रूट एक्स, अब ये वैल्यू और वहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास दिया गया था रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं जो ओरिजिनली हम लोगों ने प्लेस करी थी। तो आप आगे लिख के यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है, आगे से ये कॉपी करोगे, इस स्टेप में स्टार्ट करोगे, या यहीं पे हम लिख देते हैं, चलिए, फ्रॉम इक्वेशन टू, है ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स पहले रिजल्ट से इतना बड़ा आया है ना, साइन एक्स की पावर एक्स, और क्या हो जाएगा आपका, एक्स कॉट एक्स और प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, और प्लस का डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स आपका आ गया वन बाई टू। अच्छा, ये रूट इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, रूट इंटू रूट क्या होता है, रूट ए इंटू रूट बी, ये हो जाता है रूट ए इंटू बी, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सेम कितना आ जाएगा आपका, दैट इज दैट कम्स आउट टू बी वन बाई रूट, ये एक्स और माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनल आपका, दैट इज द एक्सप्रेस।